नमस्कार मित्रों, अवध स्टडी सेंटर महबूबगंज में आप लोगों का स्वागत है। मित्रों, आज हम एक बार फिर आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुए हैं और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का पांचवा पार्ट लेकर के। मित्रों, इसके बाद एक पार्ट हम आप लोगों को और बताएंगे। इसी छह पार्ट में आप लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट का संपूर्ण अध्ययन आसानी से कर ले जाएंगे। यानी जितना भी परीक्षा में पूछा जाता है या जो जो भी कुछ है, हम इन छह पार्ट में मिला करके आप लोगों को बता दिए हैं और बहुत ही सरल ढंग से बताए हैं। आप लोग पूरा पांच छह पार्ट जो है ये अगर पढ़ लेंगे तो समझ लीजिए परीक्षा में कोई भी प्रश्न इससे संबंधित छूटने वाला नहीं है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मित्रों को भी सेंड कर दीजिए। हम आप लोगों को बताने चल रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट का पांचवा पार्ट, यानी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का मतलब होता है विस्मय सूचक वाक्य, यानी जिन वाक्यों से हमें विस्मय आश्चर्य प्रकट हो, जिन वाक्यों से बहुत बड़ा दुख प्रकट हो, हर्ष प्रकट हो, इस टाइप से। यानी कहने का मतलब हम ये कह लेते हैं, यदि रिपोर्टेड स्पीच जैसा कि आप लोग जान रहे हैं जो इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है, उसमें हृदय की भावना से संबंधित, यानी हृदय की भावना से रिलेटेड कोई भी बात हो, जैसे हर्ष हो गया, हर्ष मीन्स खुशी, यानी अत्यधिक जब खुशी मिल जाती है, बहुत अधिक प्रसन्नता मिल जाती है तो हृदय की बात होती है, यानी हृदय प्रसन्न होता है। दुख भी हृदय से रिलेटेड है, यानी जब आदमी को कोई बड़ा दुख मिलता है, कष्ट मिलता है, तो वो भी कहाँ पे पड़ता है, हृदय पे पड़ता है। यानी हृदय की भावनाएं हैं ये, दुख हृदय और हर्ष ये भी हृदय, यानी ये सब चीजें। या आश्चर्य, कोई व्यक्ति कोई अद्भुत चीज देख लेता है, कोई ऐसी चीज देख लेता है, ऐसी वस्तु का अवलोकन कर लेता है जो उसने कभी देखी ना हो, या यकायक कोई घटना घट जाए, यकायक कोई घटना घट जाए जो मुंह से निकल जाता है आह ओ, इस टाइप से जो घटनाएं एकाएक होती हैं, ऐसी दशा में मुख से जो है या हृदय से कुछ ऐसे उद्गार प्रस्तुत होते हैं, उद्गार निकलते हैं जो ये बताते हैं कि घटना जो है सामान्य नहीं है। जो घटनाएं सामान्य नहीं होती हैं, हमेशा नहीं आदमी बोलता है, हमेशा नहीं कहता है, ऐसी चीजों को हम हृदय से जोड़ते हैं और वो ही सेंटेंस, यानी वो ही सेंटेंस जो होते हैं या जो आदमी के मुख से निकलता है, वही सब क्या होता है, विस्मय सूचक के अंतर्गत आता है। यानी उसी को हम विस्मय सूचक वाक्य के अंतर्गत रखते हैं, जो भावनाओं से हमारे निकलता है, जो हृदय की अंतरात्मा से हमारे उद्गार होता है, ये सारी चीजें जो होती हैं वो विस्मय सूचक वाक्य के अंतर्गत आती हैं। ये तो हो गया कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता क्या है। दूसरा देख लेते हैं, यानी इसी से संबंधित है, आश्चर्य हो गया, प्रेड हो गया, जैसे किसी को आशीर्वाद देना हो गया, हम सारा यहाँ पे लिखे नहीं है पर जाने रहिए इसको, प्रेड हो गया, जैसे किसी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, किसी को हम शाबाशी देते हैं, किसी की प्रशंसा करते हैं, ये सारी भावनाएं जो होती हैं ये हृदय से रिलेटेड होती हैं। और इन सब का भाव जब इन्वर्टेड कामा वाले वाक्य के अंतर्गत निकले तो वहां पे हमको जो है इसी सेंटेंस के माध्यम, यानी इस सेंटेंस को हम जानेंगे वहां पे और इसके नियम को हम लगाएंगे, इसके नियम का फॉलो करेंगे वहां पर बनाने के लिए इनडायरेक्ट में। तो इसके तीन प्रमुख नियम हैं, यानी यही इन्हीं तीनों नियमों को हमको पालन करना है। पहला है दैट कंजक्शन का प्रयोग नहीं होता है। ऐसे सेंटेंस में जहां पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस रहेगा, विस्मय सूचक वाक्य रहेगा, वहां पे हमको क्या करना है, कंजक्शन जो दैट लगाते थे हम बीच में असर्टिव सेंटेंस में, वहां पे हमको कंजक्शन नहीं लगाना, दैट का प्रयोग नहीं करना है। रिपोर्टिंग वर्ब के सेट टू को रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार बदलते हैं। अब रिपोर्टिंग वर्ब जो इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है उसके कह रहा सेट टू को, जहां पे सेट टू लिखा होता है आप लोग पढ़ते आए हैं, सेट टू रहता है, तो सेट टू को हम बदलेंगे। और कैसे बदलेंगे, रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार, वहां पे जो भाव निकलता है, अगर दुख का भाव निकलता है तो सारी, जैसे सारी आया है, जॉय आया है, सरप्राइज आया है, प्रेड आया है, अप्रूवल आया है, इस टाइप से अगर हमारे सामने आए हैं कुछ शब्द, मतलब रिपोर्टेड स्पीच में इस टाइप के शब्द अगर आए हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब के सेट टू को हम बदलते हैं। और बदलते कैसे हैं, अगर हमको मान लीजिए हर्ष आया, प्रसन्नता हमको मिल रही है, प्रसन्नता के लिए हम क्या, जैसे जॉय, यानी जॉय होता है हर्ष का, हर्ष की अंग्रेजी जो है वो जॉय होती है, दुख का सारी होता है, इस टाइप से। यहाँ पे हमको ये भी देखना होगा
कि किन किन शब्दों से हमें क्या क्या पता चलता है। तो उसको मित्रों अभी हम बता रहे हैं कि किन किन चीजों से हमें कौन कौन सी बातों का पता चलता है। अब देख लेते हैं नाउन प्रोनाउन एडवर्ब में परिवर्तन जो हमको करना है वो सारा असर्टिव सेंटेंस की तरह करना है, जैसा कि आप लोग इंट्रोगेटिव में भी पढ़ते आए हैं और इसमें भी वही रहेगा। यानी असर्टिव में जो हम परिवर्तन करते थे नाउन में प्रोनाउन में, जैसे ही का क्या हो जाता है, हिम का क्या हो जाता है, आई का क्या हो जाता है, इस टाइप का परिवर्तन जो था वो सारा परिवर्तन होगा। तो अब चलते हैं मित्रों, हम देखते हैं उदाहरण के माध्यम से कि कैसे हम इनडायरेक्ट में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलते समय हम कैसे कैसे बदलेंगे और किन किन नियमों को देखेंगे हम। हाँ तो चलिए उदाहरण के माध्यम से देखते हैं मित्रों। हाँ मित्रों ये उदाहरण है, यानी अब इसमें हमको देखना है कि हमें कौन सा भाव उत्पन्न हो रहा है। He said, alas, I am ruined. इसमें मित्रों ये है कि alas एक शब्द है और एक शब्द है हुर्रा, यहाँ पे हम लिख दिए हैं। इसका मतलब होता है खुशी, यानी ये शब्द अगर मिल जाए तो समझ लीजिए वहां पे प्रसन्नता की बात है, जॉय की बात है। और alas शब्द हमको अगर मिल जाता है तो यहाँ पे हमको क्या पता करना है, यानी क्या मालूम होना चाहिए, दुख। यानी अलास मिल जाता है तो इसका मतलब समझ लो कि दुख की बात कह रहा है। यानी इन्वर्टेड कामा के अंतर इन्वर्टेड कामा यहाँ पे लगा है। अब इसके अंदर हमको ये दोनों शब्द मिल जाते हैं तो इनको हम विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि ये जो है प्रतीक है, ये जो है शब्द बताते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पे लिख दिया इसीलिए कि ताकि जो है आप लोगों को यहाँ पे भ्रम ना हो। अलास शब्द लिखा है तो दुख का बोधक है, और हुर्रा शब्द लिखा रहेगा तो उसको खुशी का बोधक है। अब यहाँ पे कहने का मतलब इलास लिखा है, इसका मतलब है कि क्या करना है हमको, ये दुख का बोधक है। अगर ये दुख का बोधक है तो कहने का मतलब दुख यही है सारी, तो सारी का बोधक है तो हमको यहाँ पे लिखना होगा। जब इनडायरेक्ट में हम इसको परिवर्तित करेंगे तो हो जाएगा ही सेट टू को हटाना है, यानी सेड अथवा सेट टू रहेगा तो उसको हमें हटाना है, और वहां पे लिखना है एक्सक्लेम। ही exclaimed और विद लगाएंगे, exclaimed विद सारो। अब यहाँ पे अगर रहेगा एलास रहेगा तो सारो लगाएंगे, और अगर हुर्रा रहेगा तो जॉय लगाएंगे। यहाँ पे हमको दो चीजों का ध्यान देना है, दुख रहेगा तो एलास, दुख रहेगा तो क्या लगाएंगे सारो, और अगर खुशी की बात रहेगी तो क्या लगाएंगे जॉय। तो ही exclaimed विद सारो यहाँ पे रहेगा, ही exclaimed with sorrow। अब क्या है that का प्रयोग हमको जो है करना है, यानी that का प्रयोग जो है यहाँ पे मित्रों हमें, मित्रों यहाँ पे that का प्रयोग होगा, यहाँ पे गलत हो गया सारी, इसको मित्रों देख लेना नहीं लिख दिया गया है, व्याख्या हो सकता हम जो भी कुछ किए हैं यहाँ पे समझ लीजिएगा। that conjunction का प्रयोग होता है, यानी जैसे assertive sentence में होता था वैसे that का प्रयोग यहाँ पे होगा। तो ही exclaimed with sorrow और उसके बाद that लगाएंगे, ही exclaimed with sorrow that। अब यहां से हमको बदलना है, आई जो है ये बदलना है ही के अनुसार, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, सब्जेक्ट ही के अनुसार बदल जाएगा, तो आई की जगह क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा ही हो गया, आई की जगह पे ही हो जाएगा। तो ही इसके बाद एम है, एम की जगह क्या होगा वाज हो जाएगा, टेंस बदलेगा, ही वाज रुइंड, ही वाज रुइंड। चलिए देखते हैं मित्रों अगला उदाहरण देख लेते हैं। अगला उदाहरण है मित्रों द संत सेड मे यू लिव लॉन्ग, संत ने कहा मे यू लिव लॉन्ग,
आप दीर्घायु हो, यानी यहाँ पे किसी संत की किसी व्यक्ति की प्रार्थना है, यानी वह भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि आप दीर्घायु हो, आपको आशीर्वाद दे रहा है। तो ऐसे स्थान पर, ऐसी जगह पर हमको प्रेड का प्रयोग करना है। प्रेड का मतलब होता है प्रार्थना करना, यानी संत ने प्रार्थना किया, भगवान से प्रार्थना किया, तो यहाँ पे हो जाएगा द संत प्रेड, द संत प्रेड, ये हो गया, यानी भगवान से संत ने प्रार्थना किया। दैट, दैट लगाएंगे, मे को अंदर करेंगे और यू को पहले लिखेंगे, यानी कर्ता दैट के बाद हमको कर्ता ही लिखना है। तो यहाँ पे हो जाएगा यू, यू बदलेगा किसके अनुसार बदलेगा, यानी यू जो है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है हमारा। तो यहाँ पे सेकंड पर्सन का कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, यानी यू जो है हमारा सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, और सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलता है, तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलता है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है इसका, यानी यू का कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है, तो या तो हम यू को यू ही लिख देंगे तब भी हमारा सही रहेगा, या तो हम यू को थर्ड पर्सन में बदल देंगे। थर्ड पर्सन का मतलब हो जाएगा ही, चाहे हम यू को ही कर देंगे अथवा यू को यू रहने देंगे, क्योंकि इसका कोई ऑब्जेक्ट हमारा नहीं है। तो यहाँ पे हम ही लिख सकते हैं या यू लिख सकते हैं, तो ही लिख देते हैं। मान लो दैट ही माइट, इसके बाद मे का पास्ट टेंस हो जाता है माइट, और उसके बाद लिव लॉन्ग। अंत में ध्यान रहे एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं लगाना है, यानी फुल स्टॉप ही लगाना है। इनडायरेक्ट में बदलते समय हमेशा, जब हम इनडायरेक्ट में पूरा बदल लेंगे तो अंत में हमको फुल स्टॉप ही लगाना है, चाहे सेंटेंस किसी भी पार्ट का हो। तो मित्रों, एक उदाहरण हम आप लोगों को समझाने का और प्रयास करते हैं। ये दो उदाहरण हो गए, एक उदाहरण हम और आप लोगों को बताते हैं। हाँ मित्रों, अगला उदाहरण है मीरा सेड हाउ क्लीवर आई एम, यानी मीरा ने कहा मैं कितनी चतुर हूँ। तो इस टाइप के सेंटेंस, यानी हाउ, व्हाट, इन सब चीजों का जब प्रयोग हो जाता है तो इसका मतलब है सरप्राइज, यानी कोई आश्चर्य की बात कही जा रही है। तो मीरा सेड हाउ क्लीवर आई एम, तो मीरा हो जाएगा यहाँ पे मीरा एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड विद सारो लगा सकते, विद सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, उसी तरीके से जैसे हुर्रा और इलास में लगाते थे एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, तो मीरा एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, मीरा ने आश्चर्य व्यक्त किया। अब क्या आश्चर्य व्यक्त किया, दैट हाउ क्लीवर आई एम, मतलब ये हो गया कि मैं कितनी चतुर हूं, कहने का मतलब वह बहुत चतुर थी। तो यहां पे हो जाएगा सी, सी वाज वेरी क्लीवर, सी वाज वेरी क्लीवर। तो ये हो गया इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन, यानी मीरा सेड हाउ क्लीवर आई एम, तो मीरा हो जाएगा मीरा एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, क्योंकि यहाँ पे सरप्राइज निकल रहा है, आश्चर्य की बात कह रही है कि मैं कितना चतुर हूं, उसे आश्चर्य लग रहा है, तो इसको हम एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज करेंगे। और यहाँ पे हम इसको बदलेंगे तो हाउ क्लीवर आई एम लिखा है तो हो जाएगा सी वाज वेरी क्लीवर, हम क्योंकि हमको इनडायरेक्ट में सिंपल सेंटेंस बनाना है, हमको इनडायरेक्ट में कोई भी सेंटेंस हमें सही करके सिंपल सेंटेंस में परिवर्तित करना होता है। तो ये आश्चर्य की बात है कि इसको हमने सिंपल सेंटेंस बदल दिया, सी वाज वेरी क्लीवर, की वह बहुत चतुर थी। तो मित्रों, इस प्रकार से आप लोगों ने आज पांचवा पार्ट पढ़ लिया और चारों प्रकार के सेंटेंस हम आप लोगों को अब तक बता चुके हैं। अब हमको एक सेंटेंस और पता करना है, एक टाइप के नियम और जानना है लेट का प्रयोग, यानी लेट का प्रयोग जहां पे होता है वहां पे हम कैसे इनडायरेक्ट में परिवर्तन करेंगे। तो इसको बताने के लिए मित्रों, हम अगले वीडियो में आप लोगों को फिर मिलेंगे, यानी वीडियो जो इसका बन रहा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, वो पांचवें पार्ट, छठवें पार्ट में आप लोगों को मिलेंगे। और इसी छठवें पार्ट के साथ साथ हम आप लोगों का पूरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट समाप्त कर देंगे, और यही छह पार्ट आप लोग अगर अध्ययन कर लेंगे अच्छे तरीके से, तो आप लोगों का इससे संबंधित कोई भी परीक्षा का क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में मित्रों, तब तक के लिए धन्यवाद।